अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फॉर्म पे आ गया हूँ और आज ना हम एक काफ़ी क्यूट डॉग लेके आए हैं। तो ये मैंने कल रात को ही रिसीव किया है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये माशाल्लाह ना काफ़ी देर से मैंने सोचा हुआ था इस टाइप का ना डॉग या कोई कैट हम लेके आएंगे, लेकिन अभी हमें कोई कैट नहीं थी, इतनी अच्छी मिल रही है तो ना मुझे डॉग बहुत प्यारा मिल गया। कैट के साइज़ के डॉग है ये हमारा माशाल्लाह पप्पी, इसको भी वाइट खोलते हैं। ये पप्पी नहीं है बिल्कुल, माशाल्लाह नंबर है, इसकी एज सही पूरी है, ये देखो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी ना जी बब्जी नाम मैंने इसका रख दिया हुआ है क्योंकि कल का रिसीव हुआ है ना, कल का मैं इसे काफ़ी खेल रहा हूँ तो इसका मैंने नाम भी रख दिया है बब्जी। ये देखो माशाल्लाह ना काफ़ी प्यारा और है भी क्यूट है काफ़ी, जानवरों को भी नहीं, किसी को भी इसने तंग किया और ना ही कोई और जानवर इसको कुछ कह रहा है। तो अभी ये देखें, ये इसको खोलते हैं ना माशाल्लाह ना सही घूमता है पूरा फॉर्म पे, मज़ा आता है इसके साथ खेलने का। कब्जी पहले भी हमारे पास एक डॉग तो है, ये वाला ये फीमेल डॉबरमैन है हमारे पास, लेकिन ना ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है तो इसलिए ना मैंने इस तरह का कोई पप्पी लाना चाहता था। माशाल्लाह देखें इसको बंदा उठा भी लेता है, काफ़ी छोटा सा ही, जब का मैंने खोला हुआ ना तब का मेरे पास ही घूम ही आ रहा है इधर ही। पब्जी अभी वो थक गया शायद, ये देख माशाल्लाह ना काफ़ी खुश है यहाँ पे आके ना। तो अभी इसकी डाइट भी हमने देनी है, सुबह मैंने इसको डाइट दे दी हुई थी। तो अभी हमारा डस्टी भी देख लें इधर नहीं है, तो डस्टी को ना हमने बाहर बकरों के साथ छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अंदर आ रहा है कि ना मुझे लग रहा था वो बोर हो गया हुआ है, तो उसको मैंने ना बाहर निकाल दिया हुआ था। तो अभी जाते हैं अपने डस्टी को पहले लेके आते हैं, बकरे अभी बाहर ही रहने देंगे, तो डस्टी को ला के इधर बांधते हैं और उसको चारा वगैरह डालते हैं। और अभी हमने अंदर वाले अपने बर्ड को भी देखना है क्योंकि काफ़ी दिन से ना मैं इतनी ध्यान नहीं दे रहा, जब का हमने डस्टी ले लिया हुआ है ना तो इनकी तरफ तो जान ही दे रहा है मैं, तो आज अच्छी तरह ना इनको देखता हूँ। जो हम मिनी पैट्स लेके आए हैं ना उनका भी नहीं मैंने इतना ध्यान रखा है, तो उनके लिए ना ब्रीडिंग बॉक्स भी लेके आने हैं, ये माशाल्लाह ब्रीडिंग काफ़ी जल्दी करते हैं तो इनके लिए भी ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह लगाएंगे। और बाकी उमर भाई कह रहे हैं बब्जी के साथ बब्जी, तो अभी ना सबसे पहले चलते हैं और अपने डस्टी को लेके आते हैं। अभी बब्जी देख रहा है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इसको हम अंदर ही रहने देंगे, इसको बाहर जाने की आदत नहीं डालनी है क्योंकि बाहर और भी जानवर वगैरह होते हैं, तो ये ना हो कोई इसको नुकसान पहुँचाए। तो अभी जाके देखते हैं अपने डस्टी को और लेके आते हैं। तो अभी ये जो हमारे बकरे हैं ना ये बिल्कुल दरवाजे के करीब ही हैं और जो हमारा डस्टी है ना वो उधर आगे फुल कोने पर जाके ना घूम रहा है। अभी चलते हैं और अपने डस्टी को ना लेके आते हैं, ये बकरे हमें तंग कर रहे हैं, लेकिन डस्टी को ना इसलिए हम यहाँ पे खोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी खुली जगह है तो वो ना काफ़ी घूम वगैरह लेता है, तो इसको ऐसे हम हर रोज बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर इसलिए ना इधर वाला छोड़ देते हैं बिल्कुल। चलो आ जाते पानी पीना है, वो देखिए सबसे पहले आके ना पानी चेक कर रहा है, लेकिन अभी इसको बांधते हैं फिर पानी पिलाते हैं, इसके अंदर ही नहीं जा रहा है, उसे शायद पानी पीना है फिर ही अंदर जाना है, तो अभी पहले मैं पानी लेके आता हूँ और इसको पानी पिलाता हूँ, उधर ही ले जाते हैं इसको नहीं तो उधर जाकर पानी पिला देते हैं। आ जाओ देखते हैं जैसे पीते हैं, हाँ पीजिएगा इधर पीना शुरू हो गए हैं सर, तो माशाल्लाह यहाँ से डस्टी पानी पीना शुरू हो गया, उसने शायद पानी पीना था इसलिए अपने घर नहीं था जा रहा है, तो अभी ये पानी पीता है ना तो फिर इसको उधर जाके बांधते हैं। अभी बब्जी को बंद कर दिया हुआ है और ये जो हमारा सिल्की चूजा है ना ये देखें ये बिल्कुल इसके पास घूमता रहता है और इसको डर भी नहीं लगता है और बब्जी भी इसको कुछ भी नहीं कहता, मुर्गी से अंदर आया नहीं जाता, मुर्गी बाहर खड़ी होकर देख रही है और वह देखें वो बच्चा अंदर घूम रहा है बिल्कुल बब्जी के साथ, बब्जी भी इसको कुछ नहीं कहता, वो उसको लगता है कि ये शायद मेरे साथ खेल रहा है। और माशाल्लाह अभी इसके लिए ना चलते हैं जल्दी से और डाइट लेके आते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इसको काफ़ी भूख लगी हुई है, तो अभी जल्दी से चलते हैं और डाइट लेके आते हैं। अभी मैं ना अपने बब्जी की डाइट लेने जा रहा था तो लेकिन मुझे याद आया कि जो हमारा ये सेंटीपिजन है ना इसको मैं बाहर ही निकाल दूँ क्योंकि ये हैंड टेम तो हो नहीं रहा है, तो इधर बेचारा ना अकेला रह रहा है इधर,
तो इसको ना मैं दोबारा अंदर ही लकी पिजन के साथ छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये अकेला ना काफी सैड हो रहा है। तो अभी इसको निकालते हैं और अंदर लकी पिजन के साथ छोड़ देते हैं। तो अभी मैं इसको लेके अंदर आ गया हूँ और अभी मोर भी बंद ही है और ये हमारा सिल्की भी बंद है सारे, तो अभी इनको भी खोल देते हैं। ये दरवाजा खोल दिया, खुद ही बाहर चले जाएंगे और इसको इधर छोड़ देते हैं। वो देखो इधर बैठ गया। अब मुझे उम्मीद है यहाँ पे ना काफी उछरेगा, क्योंकि वहाँ पे अकेला ना काफी ये सैड हो गया हुआ था। 2-3 दिन से हमने वहाँ पे रखा हुआ था इसको और हैंड टेम करने की भी काफी कोशिश किया, लेकिन ये टेम नहीं था। पहले भी जिनसे हमने लिया था ना, उन्होंने हमें बताया था कि ये हैंड टेम है, लेकिन ये हैंड टेम बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए मैंने ना इसको बाकी पिजन्स के साथ ही छोड़ दिया। तो अभी चलते हैं डैड लेने बब्जी की। अभी मैं बब्जी की डैड लेके आ गया हूँ और उमर भाई ने इसको खोल दिया और ये देखें ये यहाँ पे घूम रहा है। इसको पता चल गया हुआ है कि हम इसकी डैड ले आए हैं। तो अभी इसको डैड डालते हैं और ये देखें कैसे वेट कर रहा है। मुर्गे आ गए हैं, काफी तंग करना है इसको। बब्जी ने ना माशाल्लाह काफी खुश होकर डैड खाई है अपनी। इसको ना मैंने बॉयल चिकन और बॉयल राइस दिए हैं, तो माशाल्लाह ना देखे काफी खुश होकर खा रहा है। जिनसे हमने ये लिया ना, वो भी ना इसको यही सेम डाइट डालते थे, इसलिए हमने भी ना वही सेम डाइट दिया और माशाल्लाह खुश होकर उसने खाई है। देखे सारी खत्म कर दी है डाइट। तो अभी ये डाइट खाता है तो फिर इसको सारी वॉक वगैरह कराते हैं, घुमाते हैं। तो अभी माशाल्लाह बब्जी ने ना अपनी सारी डाइट खत्म कर दिया, तो अभी थोड़ी देर इसके साथ खेलते हैं। आ जाओ बब्जी, इधर आओ, इधर आओ बब्जी। ये जो हमारे फास्ता का बच्चा है ना, इसको मिनी पार्ट्स ने ना काफी ज्यादा मारा है। उसका ना खून निकलना शुरू हो गया, ये देखे इधर से ना इसके पर भी सारे उतार दिए, इसका खून भी नहीं कर रहा था। ये मिनी पार्ट्स ना काफी शैतान है। अभी मैं सोच रहा हूँ ये जो हमारा फास्ता का बच्चा है ना, इसको हम वो छोटे वाले केज में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे हमने सेंटी को रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मिनी पार्ट्स ना इसको काफी मारते हैं। तो अभी इसको आजाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजाद किया था ये खुद ही वापिस आ गया था, तो बाहर शायद इसको दाना नहीं था मिला है। अभी इसको पकड़ते हैं और छोटे केज में शिफ्ट कर देते हैं। और बब्जी इधर ही घूम रहा, बब्जी ठीक है, बब्जी। और ये मैं एक नया लकी पिजन भी लेके आया हूँ, ये देखें माशाल्लाह काफी मुझे प्यारा लगा था, इसलिए मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे पसंद आया तो फिर मैंने ले लिया। तो इसको इनके साथ ही छोड़ दिया भाई, ये अंदर भी चले जाते हैं और बाहर भी माशाल्लाह। तो अभी अपने बेबी डब को पकड़ते हैं। ओ दरवाजा खुला हुआ है, बाहर ना निकल जाए। चलो भाई बब्जी आप तो साइड पे हो जाओ, इसको ना इधर छोड़ दें। यार ये काफी जख्मी कर दी हुई है इन्होंने, इस वजह से यहाँ पे इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना मुझे उम्मीद है कि रिकवर कर जाएगी। अभी इतना ज्यादा नहीं जख्मी इसको किया, ये बंद काफी मुश्किल से होता है। तो अभी इसको मैं बंद करता हूँ और पानी खत्म हुआ हुआ इस केज के अंदर, तो जल्दी से इसमें पानी और दाना वगैरह डाल देते हैं। अभी मैंने फाता के बच्चे को भी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और बब्जी इधर घूम रहा है। तो अभी ना हमारा डस्टी भूख है शायद, तो ये देखें इधर उदास होकर घर आए। इसको चारा नहीं अभी तक मैंने डाला, तो अभी इसके लिए जल्दी से ना चारा लेके आते हैं और चारा डालते हैं। डस्टी ये डरता है, तो अभी जल्दी से ना इसको चारा डालते हैं। अभी मैं चारा लेके आ गया और हमारा डस्टी कैसे पेश कर रहा है। अभी इसको चारा डाल दिया और ये चारा खाता तो फिर दोबारा इसको एक बार पानी भी पिला देंगे, क्योंकि आजकल ना काफी ज्यादा गर्मी है। तो अभी मैंने डस्टी को चारा डाल दिया और माशाल्लाह वो उसी से खा रहा है। और जो हमने लव बर्ड्स अपने रखे हुए हैं ना, इनको हमने तकरीबन 2 मंथ हो गया हमारे पास, लेकिन अभी तक इन्होंने ब्रीडिंग नहीं किया है, अंडे नहीं दे रहे हैं। अपने नेस्ट बॉक्स में तो जाते हैं लेकिन अंडे नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। और हमारे ग्रीन पैरट्स भी माशाल्लाह बाहर घूम रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो देख एक अंदर चले गया और एक बाहर ही है। जब का हमने ये केज ठीक कर दिया हुआ ना, माशाल्लाह हमारे पैरट्स काफी खुश हैं, क्योंकि बाहर घूमते हैं तो उड़ते हैं इधर उधर, तो काफी खुश रहते हैं। तो अभी हार्ट सारा खा रहा है और अभी सारे बकाया बर्ड्स भी ना अभी बंद करने वाले हैं, तो अंधेरा होने वाला है, तो अभी जल्दी से अपने बर्ड्स वगैरह बंद करते हैं। और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हमारा बब्जी आपको कैसा लगा है।
तो अभी बब्जी को भी बंद करना है, इसको भी काफी देर वॉक करवा दिया हमने, खाना खाया था इसलिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।